नियरबाई से पैसा कैसे चेक करें बैंक का। देखिए मैं पे नियरबाई रिटेलर लॉगिन कर रहा हूँ। देखिए मोबाइल नंबर डाल दीजिए, उसके बाद पासवर्ड डाल दीजिए और उसके बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, मैसेज आता है 6 अंक का मैसेज आएगा। उस देखिए मेरा मैसेज आ गया, उस मैसेज को डालने के बाद ही लॉगिन होगा। देखिए मैं लॉगिन कर रहा हूँ। देखिए पे नियर बाई का होम पेज खुल गया। ये जो थम्स दिख रहा है, थम्स APS सर्विस, ओके कीजिए। उसमें ओके करने के बाद देखिए मार्फो है, आप जो भी रखे हुए हैं मार्फो या जो भी डिवाइस उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सर्चिंग करता है। देखिए जो करना चाहता है बैलेंस चेक, इंक्वायरी में जाइए बैलेंस चेक। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना पड़ता है, कस्टमर का मोबाइल नंबर ही डालिएगा क्योंकि आप सेफ रहिएगा। और उसके बाद आधार नंबर, उसके बाद नाम, उसके बाद बैंक चूज होगा, उसके बाद फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट में ध्यान दीजिएगा, जो फिंगर आप लगाएंगे उसी फिंगर का इसमें निशान देना होगा, तभी जाकर मैच करेगा, अन्यथा मिसमैच हो गया। देखिए हम सब डाल दिए हैं। देखिए लाइट जल रहा है, बैंक भी चूज कर लिए हमने, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, नाम फिलअप कर लिया और बैंक सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद हम फिंगरप्रिंट सेलेक्ट करते हैं। आप जो उंगली को दीजिएगा वही उंगली लिखवाइएगा कस्टमर से। फिंगर में देखिए, अब फिंगर देने के बाद आपका बैंक का बैलेंस बताएगा, शो करेगा। इसे हम रखें हमारे फोन, देखिए लोडिंग ले रहा है, इंतज़ार कर लीजिए। देखिए इसमें आधार नंबर लिंक नहीं है, इसलिए लिख दिया है ट्रांजैक्शन फेल, नो चेकिंग अकाउंट, आधार नंबर इज नॉट लिंक टू बैंक अकाउंट। तो कस्टमर से आप बोलिए कि आप जाकर आधार कार्ड बैंक में लिंक करवाइए, तभी जाके आपका बैलेंस चेक होगा या निकलेगा। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक।